मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। बंगाली बाला बिपाशा बसु के चाहने वालों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अब शुरू हो गई हैं बिपाशा बसु को दुल्हन बनाने की तैयारियां। इससे शादी की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाली और उनकी बेहद ही करीबी दोस्त डियाना पांडे ने उनकी शादी की जोड़ी की पहली तस्वीर जारी की है। साथ ही साथ उन्होंने बिपाशा की शादी की सेरेमनी की रस्में शुरू होने की जानकारी भी साझा की है। आपको बता दें कि बिपाशा बसु अपने से उम्र में छोटे करण सिंह ग्रोवर से शनिवार को शादी करने जा रही हैं। इस शादी का मेहंदी फंक्शन 29 अप्रैल को जुहू के एक क्लब में शुरू होगा। उसके बाद शनिवार को बंगाली रीति रिवाजों से बिपाशा की शादी होगी। इसी दिन शाम को रिसेप्शन पार्टी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोगों के आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिपाशा बसु की ये पहली शादी है और वहीं करण सिंह ग्रोवर की ये तीसरी शादी है। और इस शादी में करण की दूसरी पत्नी जेनिफर विंगेट ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कुछ कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए कामना करती हूँ। मेरा मानना है कि ये जोड़ा बेहद अद्भुत है। शादी बहुत अच्छा बंधन है। अगर दो लोग सोच समझ कर साथ रहने का फैसला करते हैं तो ऊपर वाला इन दोनों को हमेशा खुश रखे। इससे आगे उन्होंने कहा कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। अगर आप किसी के लिए ये एहसास महसूस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारी भी दुआ रहेगी कि करण और बिपाशा की ये शादी कामयाब रहे और वो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहें। फिलहाल ये थी खबर करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु की मेहंदी सेरेमनी की। इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।